नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। जब भी आपको इंस्पिरेशन की जरूरत होती है तो आप सबसे पहले किसकी ओर देखते हैं? फिल्म स्टार, सुपर हीरोज या फिर कोई इंस्पायरिंग मूवी? पर आज मैं आपको एक चेहरे से मिलवाती हूँ। उसके पैर नहीं हैं, पर हौसला हिमालय सा है। एक ऐसा शख्स जिसके जोश, जुनून और देश के प्रति जज्बे को देखकर आप भी सलाम करेंगे। ये है सोमेन राणा, एक फौजी, एक खिलाड़ी, एक विजेता। मेघालय के शिलोंग में जन्मे सोमन राणा टोक्यो में पैरालंपिक में इंडियन कॉन्टिजेंट का हिस्सा भी हैं और पदक के दावेदार भी। सीटेट शॉटपुट में दुनिया में नंबर 2 राणा टोक्यो में तिरंगा लहराना चाहते हैं। एक समय आर्मी की ओर से बॉक्सर रहे सोमन के लिए 1 दिसंबर 2006 एक काला दिन था, जब फील्ड ड्यूटी पर माइंस ब्लास्ट में वो घायल हो गए और उनका एक पैर ब्लास्ट में उड़ गया। एक फौजी या एक बॉक्सर के लिए शायद ये लाइफ का द एंड होता, पर मेघालय की पहाड़े कभी हारना नहीं सिखाती। हवलदार सोमन राणा बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, पर इस घटना के बाद उन्होंने अपने हौसले को पहाड़ जैसा मजबूत बना लिया और 2017 में आर्मी के पैरालंपिक नोड में शामिल हो गए। उनकी ताकत और जज्बे ने उनके हाथों में शॉटपुट थमा दिया और आर्मी ट्रेनिंग ने उन्हें दुनिया में अपना नाम लिख देने का मौका दे दिया। वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स, एशियन पैरालंपिक, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स और वर्ल्ड पारा चैंपियनशिप जैसे इवेंट्स में मेडल जीतने वाले सोमेन साबित करते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती। और नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी तो ऐसे भी हर चुनौती को हरा कर दुनिया को फतह करना जानते हैं। मेघालय के सोमेन राणा असल जिंदगी के हीरो हैं, जो वर्दी में देश की रक्षा करते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं और बिना पैर के भी खेल के सबसे बड़े मंच से तिरंगा शान से लहराते हैं। मेघालय की मिट्टी से जन्मे इस हीरो को देश का सलाम है। नमस्कार। Thank you.